नमस्कार, रामचंद्र की ओर से। जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे विद्यालय में स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा है, तो इसी के उपलक्ष्य में अक्षर पंचम का आज एक नुक्कड़ नाटक लेकर प्रस्तुत हुई है। चलिए देखते हैं। सॉरी मैडम जी, माफी चाहता हूँ, गलती हो गई। तो देखा आपने कि कैसे हम ऐसी जगहों पर भी जहाँ पर हमें कपड़े या कागज से बने बैग से जाने चाहिए, वहाँ पर भी हम बेशर्मी से जरूरत से ज्यादा प्लास्टिक के बैग मांगते हैं। और इन सब के दुष्परिणाम क्या ही बताओ, इस सब से हम इंसानों को तो परेशानी होती है, साथ ही साथ जानवरों को। सादी गाय, लोग मुझे कहते हैं गौ माता, टूटे के कोई नहीं पाता, कूड़े के ढेर में जाना पड़ता है, प्लास्टिक की थैली बिखाना पड़ता है, जरा मेरा जोक जोक तू तो कर देते, फिर भी हम उसको माँ माँ कहते। मेरी एक छोटी सी बिटिया थी, अब मालिक तो ज्यादा दूध पीने नहीं देता था, बेचारी एक दिन भूख के मारे कूड़े के ढेर में जाके ना जाने क्या क्या खाने लगी, पता नहीं ऐसी कौन सी प्लास्टिक की थैली थी जो उसके गले में फंस गई, उसका गला चोक हो गया, दो दिन बाद वो बेचारी तड़प तड़प कर मर गई। ना जाने ऐसे कितने जीव जंतु हैं जिन्हें हमारी आपकी और हम सब की लापरवाही से मुआवजा भरना पड़ता है। कचरा इधर से आया, कचरा उधर से आया, कचरे ने कर दी सड़के जाम, हाय रे कचरे से परेशान, कचरा ये तेरे पीछे, कचरा ये मेरे पीछे, बीमारियों ने ली मेरी जान, हाय रे कचरों से परेशान। हम 150 ग्राम का फोन कैरी कर सकते हैं, 300 ग्राम का पावर बैंक भी कैरी कर सकते हैं, लेकिन हमें 20 ग्राम का पेपर बैग कैरी करने में ओवरवेट हो जाता है। हम कई बार सोचते हैं कि हमारे अकेले के कागज या कपड़े के बैग यूज करने से क्या फर्क पड़ता है, भले ही एक के यूज करने से कुछ फर्क ना पड़े, लेकिन एक एक के करने से फर्क पड़ता है। हम बदलेंगे देश बदलेगा, हम बदलेंगे देश बदलेगा, हम बदलेंगे देश बदलेगा, जय हिंद जय भारत। Thanks for watching.